और वो चीज दिख रही है कि यदि आप फिजिक्स में घबराते हो तो आप गलत नहीं हो। हिंदुस्तान में अधिकतर जनता फिजिक्स से ही घबराती है और वो इस कट ऑफ से भी दिख रहा है। मैथ्स में यही कट ऑफ रहा 5 मार्क और केमिस्ट्री में यही कट ऑफ रहा 3 मार्क। और वैसे मैथ्स को डिफिकल्ट मानते हैं, केमिस्ट्री को इजी मानते हैं, लेकिन इधर अलग दिखा, इधर मैथ्स इजी दिखा, क्योंकि मैथ्स में 5 मार्क्स से ज्यादा 80% कैंडिडेट्स ने स्कोर करा और 20% कैंडिडेट्स 5 मार्क्स से कम लाए। और केमिस्ट्री के लिए यही चीज देखें तो 3 मार्क। अब इधर मैं बताता हूं कि ये तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ डिटरमाइन हुआ, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कट ऑफ चाहे जितना कम नहीं करा जाता है, उनको एक हल्की सी रियायत दे दी जाती है, एक रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। IIT JEE 10% रिलैक्सेशन, 10% का रिलैक्सेशन ओबीसी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए दिया गया और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए 40% का रिलैक्सेशन दिया गया। दिस इज द रिलैक्सेशन जो रिजर्व्ड कैटेगरी को मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। मतलब यदि जनरल कैटेगरी का मैथमेटिक्स का कट ऑफ 5 मार्क रहा है तो फिजिकली डिसेबल्ड या ओबीसी के लिए यही सब्जेक्ट कट ऑफ 4.5 मार्क रहेगा और एसटी और एससी कैटेगरी के लिए यही कट ऑफ 3 मार्क का रहेगा। यह नियम 2008 का था। इसे रिलैक्सेशन तो निश्चित अगले साल भी रिपीट होगा ऐसा कैसे, लेकिन इसे कट ऑफ डिटरमाइन करने का तरीका निश्चित बदलेगा। जो भी नया तरीका होगा मैं जरूर बताऊंगा समय के साथ जैसे ही ब्रोशर आएगा। अब सब्जेक्ट कट ऑफ तो सिर्फ इसलिए डिफाइन करा जाता है जिससे कि भाई हर एक सब्जेक्ट में कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी दिख जाए। जेई में एडमिशन तो निश्चित एग्रीगेट कट ऑफ के आधार पर दिया जाता है। एग्रीगेट कट ऑफ जनरल कैटेगरी का पिछले साल 7903 तक रैंक पब्लिश की गई थी, इसके आगे फिर एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई थी 7903। अब एक और सवाल उठता है कि ये 7903 ही क्यों? भाई टोटल नंबर ऑफ सीट्स यदि 100 है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स यदि 100 है तो रैंकिंग पब्लिश की जाएगी 115 तक, 15% एडिशनल रैंक पब्लिश की जाती है इन ऑर्डर टू एंश्योर कि सारी सीटें भरा जाए। किसी भी वजह से कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद भी यदि एडमिशन नहीं लेता है तो सीट्स खाली नहीं रह जाए। कई वजह होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं, वेरियस रीजंस। वन ऑफ द रीजन इज कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रैंक, विद वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द विद आवर परफॉर्मेंस, वी वांट टू टेक एडिशनल चांस, एडिशनल ईयर, एक और साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम एक और बार पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं। इस वजह से आप सिलेक्ट होने के बाद भी अपनी सीट छोड़ देते हो, या फिर आपका किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको AIEEE की आपकी अच्छी रैंक लग गई, IIT JEE में आपकी 5000 रैंक लगी और AIEEE में आप 500 में आ गए, वहां पर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता दिख रहा है, या आपका बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो इस वजह से आप IITs में जो रैंक है उसको छोड़ते हो। इस तरह से जो ड्रॉपआउट्स होते हैं जो सिलेक्ट होने के बाद भी IITs में एडमिशन नहीं लेते हैं, सिर्फ इस वजह से वो 15% एडिशनल रैंक पब्लिश करते हैं जिससे सारी सीटें भर जाए। 7900 रैंक इस तरह से डिक्लेयर की गई और यह 7900 रैंक पर जो कैंडिडेट था जनरल कैंडिडेट, ही स्कोर्ड 172 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल ऑफ 489 मार्क्स।
489 मार्क्स में से 172 मार्क्स एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ने जो 7903 रैंक पर था, ये स्कोर इट्स 35%। आईआईटी जेई 2008 का कट ऑफ 35% रहा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 10% का रिलैक्सेशन जरूर दिया गया था, लेकिन उस 10% रिलैक्सेशन को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि सारी सारी सीटें 172 मार्क्स तक ही पैक हो गई। ओबीसी कैंडिडेट को 10% का भी जो रिलैक्सेशन दिया जा सकता था वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स, जनरल कैंडिडेट्स सिमिलर आईक्यू लेवल के पाए गए, उनके आईक्यू लेवल में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं हुआ। और निश्चित ये स्टैटिस्टिक्स इस बात को बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दे रहा है, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10% का छूट दी गई थी, 10% की रियायत दी गई थी, 172 मार्क्स इसका 10% कम कर दीजिए, 17.2 कम कर दीजिए, 172 में से 17.2 घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और आपको मिल जाएंगे 154.8। मतलब फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ मार्क होगा वह 154.8 मार्क्स होगा, 32% इनका कट ऑफ होगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात कि इस कट ऑफ के साथ में क्वालिफाई सिर्फ 20 कैंडिडेट ही कर पाए, सिर्फ 20 कैंडिडेट, जबकि हम देखें टोटल सीट्स कितनी थी, बिचारी टोटल सीट्स थी फिजिकली डिसेबल वालों के लिए 227 टोटल सीट्स थी फिजिकली डिसेबल के लिए, लेकिन यदि सिर्फ 20 ही क्वालिफाई कर पाए तो 20 को ही एडमिशन मिलेगा, बाकी की 200 सीट खाली छोड़ दी जाएंगी। फिजिकली डिसेबल्ड की ये सारी सीट जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन सीट्स को भरने के लिए इस कट ऑफ के साथ में कंप्रोमाइज नहीं होएगा। ये कंप्रोमाइज सिर्फ 10% तक ही लिमिटेड है, 10% ज्यादा नहीं होएगा। दैट मेक द आईआईटीज डिफरेंट, कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल भी हो तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ आता नहीं है, उसको काफी कुछ आता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनको 40% रिलैक्सेशन था, 172 का 40% कम कर दीजिए, 104 मार्क्स ये इनका कट ऑफ रहा, 21% दैट इज द कट ऑफ ऑन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट। इस पर्टिकुलर कट ऑफ के साथ शेड्यूल कास्ट 690 क्वालिफाई कर सके। टोटल सीट्स कितनी थी जरा देखिए एक बार, टोटल सीट थी 1105, 1105 में से क्वालिफाई कर पाए सिर्फ 690, बाकी की सीट्स का क्या हुआ, खाली। इन्हें जनरल में भी ट्रांसफर नहीं करा जाता है, ये वैकेंट रह जाती है, इन्हें खाली रख देंगे, लेकिन इन्हें भरने के लिए इस कट ऑफ के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दैट मेक्स द आईआईटी डिफरेंट कि यहां पर ऐसी कैटेगरी का भी कोई कैंडिडेट है तो एक अच्छे खासा आईक्यू वाला है, क्योंकि ये 104 मार्क्स लाने के लिए भी तेल निकल जाता है, यहां एक एक मार्क लाने के लिए मैंने कहा तुक्के से तो आप एक मार्क भी नहीं ला सकते, नहीं तो फिजिक्स का कट ऑफ जीरो नहीं रहता। तो 104 मार्क लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। दिस वॉज द कट ऑफ फॉर वेरियस कैटेगरीज। नेक्स्ट हम यह देखें कि अलग 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 रैंक के लिए कितने मार्क्स, मार्क्स और रैंक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा,
निश्चित एक बात आप समझ सकते हैं कि आखिरी के मतलब रैंकिंग को देखें, 5,000 से 7,000 की बात देखें, तो एक एक मार्क पर 500-500 कैंडिडेट खड़े हुए होते हैं। यह देखिए, ऑल इंडिया रैंक 1 ही स्कोर्ड 433 मार्क्स, 89%, अ कैंडिडेट विथ परफेक्शन, जो करता है सही करता है, गलत तो करता ही नहीं, और जो समय दिया गया है उतने समय में पूरा पूरा करता है, अ कैंडिडेट जिसने पूरा पूरा सिलेबस कर रखा, सिलेबस का एक पोर्शन भी छोड़ा हुआ नहीं, ना केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसको अच्छी तरह से आता है, बल्कि उसके अंदर वह सारी क्वालिटीज हैं जो एक टॉपर बनने के लिए चाहिए, जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, जो डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, ये कैंडिडेट 100% परफेक्ट होता है, आइडियल कैंडिडेट, 89% मार्क्स उसने जेई में स्कोर करे। 13th रैंक पर हमारा रवि बोरास्कर, 381 मार्क्स, देखिए आप डिफरेंस देखिए, 1 से लेकर 13 तक आते आते अ डिफरेंस ऑफ 12%, लगभग 60 मार्क का डिफरेंस, 30 और 19 लगभग 85 मार्क का डिफरेंस 1 से लेकर 13 तक। फिर देखिए 172 निखिल लाभशेतवा, 65%, 321 मार्क्स। सिद्धार्थ गुप्ता 267 रैंक, 306 मार्क्स, 62%। फिर इसके बाद 501 रैंक के लिए यू नीड टू स्कोर नियरली 60%। 750 परशिति जाकरवाल, 56 मार्क्स। 1000 रैंक लाने के लिए आपको 53% की दरकार होती है। 2001 रैंक के लिए 48%, 3001 रैंक के लिए 45%, 5000 रैंक के लिए यू नीड टू स्कोर 40%, 7000 रैंक के लिए 36% एंड कट ऑफ इज 35%। यह रैंक और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाने का के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो यह है, मैं जानता हूं कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला सकता, मुझे पता है, जब मैं IIT JEE दे रहा था तब मुझे पता था कि भाई मैं ऑल इंडिया रैंक 1 के लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने एक टारगेट डिसाइड करा था कि मुझे किसी भी तरह से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट IITs में चाहिए। मैंने यह देखा कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट IITs में 875 रैंक तक मिलता है। मेरे दिमाग में एक बात बन गई कि मुझे कैसे भी 875 रैंक लगानी है। मैंने उसी समय रिसर्च करा, पाया कि 875 रैंक के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ये मैं JEE 1993 की बात बता रहा हूं, 93 की बात। उस समय मैंने यहां समझा था कि 50% मार्क्स यदि स्कोर कर लिए जाए तो 500-600 ऑल इंडिया रैंक कंफर्म हो जाती है। ये बात उस समय मुझको एक्सपर्ट्स ने बताई थी। मैंने अपना टारगेट उसी समय डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे नहीं चाहिए 100 में से 100, मुझे तो चाहिए 100 में से 50। फिर मैंने बार बार ढेर सारे टेस्ट पेपर्स दिए। ढेर सारे टेस्ट पेपर्स देने के बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा यील्डिंग रेशियो जो है दैट इज नियरली 75 और 80%।
मतलब मैं यदि 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे मार्क्स मिलते हैं 75 से 80। ये मेरा एंडिंग रेशो। अब इधर से मैंने बैक कैलकुलेशन करा कि मुझे चाहिए 50%। 300 मार्क का उस समय आईआईटी जेई का पेपर होता था, 100 मार्क का फिजिक्स, 100 मार्क का केमिस्ट्री, 100 मार्क का मैथमेटिक्स। 300 में से मुझे 150 मार्क्स चाहिए, मेरा यील्डिंग रेशो है 75%। मतलब मुझको अटेम्प्ट करना है कुल मिला के 200 मार्क का, बाकियों के लिए होगा 300 मार्क का पेपर, मेरे लिए तो कितने मार्क का है, 200 मार्क का। बाकियों के लिए 9 घंटे में उनको 300 में से 300 का करना है, लेकिन मुझे तो 9 घंटे में सिर्फ करना है 200 मार्क का, क्योंकि मैं जानता हूं कि 200 मार्क का यदि मैंने अटेम्प्ट कर लिया तो मैंने कई सारे टेस्ट दे रखे हैं और अपने बारे में एक परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स गैदर कर रखी है। दैट परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स इज कि मैं 200 मार्क का जब अटेम्प्ट करूंगा तो 150 मार्क मेरे आ जाएंगे, और मेरे 150 मार्क आ गए मतलब 50% बन गए तो मेरी रैंक 875 से बेहतर हो जाएगी और मुझे वह चीज मिल जाएगी जो मैं चाहता हूं। ये स्टैटिस्टिक्स निश्चित मैं आपको इस चीज के लिए दिखा रहा हूं। मैं कहता हूं आईआईटीज में, आईआईटी जेई में 4000 रैंक तक बहुत अच्छी रैंक की, मैंने अभी भी बताया 3000-3500 रैंक लगाकर एक कैंडिडेट खड़गपुर में एमएससी फिजिक्स लेता है और वो मैकेंजी तक पहुंच जाता है। मतलब लड़ाई रैंक की उतनी ज्यादा नहीं है, लड़ाई ज्यादा यह है कि हम आईआईटी तक पहुंच जाए, और आईआईटी तक पहुंचने के लिए जो टॉप आईआईटी है वहां तक पहुंचने के लिए 4000 रैंक उस पर डिसेंट, नो प्रॉब्लम। 4000 रैंक तक लगती है आपको, वह आईआईटी वह सब्जेक्ट मिलेगा जिसमें आपकी उड़ान आसमान तक होगी, फिर बस यह देखना है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। 40% मार्क्स का हम टारगेट सेट कर सकते हैं यदि हम अपने आप को एवरेज मानते हैं। 40% मार्क्स के लिए फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको प्लान आउट कर सकते हैं आगे के इस वर्कशॉप में, जो भी आपको डेटा मिलेगा उस आधार। यही यदि हम रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज के लिए देखें तो फॉर ओबीसी कैटेगरी आप देखें रैंक वन जो रहा है 365 मार्क्स पर रहा है 75% पर, 101 रैंक 54, 201 रैंक एंड सो ऑन 1134 तक वही 172 मार्क्स का कट ऑफ 35%। तो इस रैंक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ओबीसी आप बड़े ध्यान से अपने टेबल को देखें, यदि आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो निश्चित आपको देखना चाहिए, यदि आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप निश्चित इस टेबल को बड़े ध्यान से देखें। रैंक 101, 102 रैंक 66% रैंक वन के रहे, कट ऑफ मार्क्स 21। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में एक बात और बता दूं मैं, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब दोनों के लिए कि आपको सिर्फ किसी भी तरह से सिलेक्ट होने की ही आवश्यकता है, इसके बाद सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट की परवाह मत करो, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट ही कुल मिला के 690 हुआ, टोटल चीज कितनी थी 1100, सिलेक्ट कितने हुए 690, मतलब जो इंस्टीट्यूट मिला जो सब्जेक्ट मिला अच्छे मिला, पीछे पीछे वाले सब्जेक्ट यानी रखा नहीं रहेंगे, तो आप तो सिर्फ सिलेक्ट होने की कोशिश करो, सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट अच्छा मिलेगा, यही चीज शोल टाइप के लिए। अब मैं फिर वापस आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, लास्ट में थिंग इज कि आगे जो वर्कशॉप चल रहा है अब इसमें अपने इस एम को कैसे अचीव करें, कैसे एक्वायर करें बड़े डिटेल में ऋषिकेश सर आपको बताएंगे, सभी टीचर्स बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को यहीं पर समझने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि आज का यह दिन
आपकी पूरी जिंदगी में सबसे सार्थक दिन कहलाए। आप इधर से सीख कर लौटें। थैंक यू।